बजाज की पावरफुल गाड़ी। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं बजाज की बहुत पावरफुल गाड़ी और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में गाड़ी आ रही है, काफ़ी अच्छी सेटिंग के साथ ये गाड़ी आ रही है। और अब बजाज है तो नाम ही काफ़ी है बजाज का, और बजाज ऐसे ही एक नई गाड़ी, यानी कि ये कुछ शहरों में ये गाड़ी चल रही है, पर ये जो है वो दिल्ली में अपकमिंग गाड़ी है। फ्यूचर में ये गाड़ी आने वाली है, कब आने वाली है डेट डिसाइड नहीं किए गए। और ये जो गाड़ी है, हम दिल्ली बेस पर बना रहे हैं इस वीडियो को और बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो है अपकमिंग दिल्ली की गाड़ी है, और ये नॉर्मल गाड़ी से थोड़ा हटके है क्योंकि इसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं इंक्लूड, जो फीचर्स हम आपको बताएंगे क्या है इस गाड़ी में खास, ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। और ये जो गाड़ी है बजाज की गाड़ी है जैसे मैंने बताया, तो आज की वीडियो में क्या है खास ये सारी जानकारी हम देंगे इस गाड़ी के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में मल्टीमीडिया भी है, जो हमने लिखा नहीं है नीचे, बट आपको बता दें इसमें मल्टीमीडिया है, FM है, और आपको USB कार्ड मिल जाता है, और इसमें SD कार्ड मिल जाता है, और इसमें आपको MP3 भी मिल जाता है। MP3 आप यूज़ कर सकते हैं SD कार्ड के साथ में। तो क्या है खास आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की जानकारी से कि गाड़ी में क्या खास है। तो आज बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन से, इस गाड़ी की डायमेंशन क्या होने वाली है। तो जो गाड़ी की लेंथ होने वाली है वो 2800 mm की लेंथ होने वाली है, वहीं विड्थ की बात करें तो 1300 mm की विड्थ होने वाली है, वहीं बात करें इसके हाइट की तो 1700 mm की हाइट होने वाली है, वहीं बात करें गाड़ी के व्हील बेस की तो 1120 mm इसका व्हील बेस होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। अब बात करें गाड़ी की लोड कैपेसिटी की, गाड़ी में लोड कैपेसिटी कितना, तो इसमें 400 kg का लोड कैपेसिटी है। अब बात करें गाड़ी में पावर का कि गाड़ी में पावर कितना है, तो इस गाड़ी में जो पावर होने वाला है वो 800 W का पावर होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। अब ये गाड़ी की अगर बात करें इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी का जो नाम हमने बताया था आपको कि ये गाड़ी जो है बजाज कंपनी की गाड़ी है, री बजाज। और अब बात करें गाड़ी के और भी सिस्टम्स की, बात करते हैं गाड़ी के आगे क्या होता है गाड़ी के अंदर, तो इस गाड़ी के अंदर जो वेट होने वाला है वो 360 kg का वेट होने वाला है। आप इंजन देख सकते हैं, काफ़ी हैवी इंजन है इस गाड़ी का, और ये जो गाड़ी है वो काफ़ी हैवी गाड़ी है। अब बात करें गाड़ी के वोल्टेज सिस्टम की, तो इस गाड़ी में जो वोल्टेज होने वाला है वो 60 V होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। अब बात करें गाड़ी के ब्रेक सिस्टम का, तो गाड़ी में ड्रम ब्रेक यूज़ किया गया है। अब बात करें सबसे बात की गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी कितनी होगी, तो इस गाड़ी में जो सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है 3 passenger + 1 driver की सीटिंग कैपेसिटी है इस गाड़ी में। फ्यूल टाइप की बात करें तो गैसोलीन है, CNG है। अब बात करें गाड़ी के अंदर इंजन की, तो इसमें जो इंजन यह है 250 cc वाटर कूल्ड इंजन है। अब बात करें टॉप स्पीड की, तो 60 की टॉप स्पीड है इस गाड़ी के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की ID दे दी है, आप हमें फॉलो करें और वहाँ पर अपने जो भी कमेंट हैं, जो भी सवाल हैं वहाँ छोड़ दें, हम आपके जवाब देंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो जो आपके लिए हमने बनाई है इस गाड़ी की आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।